आज गवर्नमेंट और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, उनको शुक्रिया करना था आपके ज़रिए कि फ्लोर टेस्ट बड़ा ही स्मूथली कंडक्ट हुआ और उम्मीद है कि इसी माहौल में हम भी बड़ी नेक नीति से आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी बड़े ही मेरिट्स पे होगा। और इसके अलावा जिन 42 लोगों ने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फ्लोर टेस्ट की 42 लोगों की अगेंस्ट गई फॉर्मर मेयर के, अब हमारे कॉरपोरेटर्स को टारगेट किया जा रहा है। अफरोज़ा जी जो हैं उनकी गाड़ी तोड़ी गई जडीबल में, जडीबल की नाजिया जी हैं उनके घर में ग्रेनेड रखा गया, ये छोटी बात नहीं है। मेरे पीछे गाड़ी के पीछे 3 लोग पीछा किया, उसके मजीद अशरफपालपुरी साहब की चाय में कुछ मिलाया गया, आसिफ साहब की चाय में कुछ मिलाया गया, इनको बेहोश किया गया, इनको खून की थूके आ रही है, इनका वीडियो उठाया गया। ये घिरौनी हरकत से हमें, मुझे लगता है, बाज आना चाहिए। वी आर एथिकल एंड डेमोक्रेटिकल पीपल और आपके ज़रिए पुलिस को गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जाए, सिक्योरिटी कॉरपोरेटर्स को दी जाए, सिक्योर्ड एकोमोडेशन दी जाए और उस रिलेटेड फिर आप भी देख लीजिए कि अगर हमारे कॉरपोरेटर सिक्योर्ड होंगे, ये देख लीजिए कि हमारे कॉरपोरेटर अपनी मेहनत, ईमानदारी, मेहनत के साथ अपने लोगों के लिए और अपने शहर के लिए काम करें। देखिए, हमारा तो मैंने माइंड नहीं बनाया है, मुझे इजाज़त दी गई वही डार लेड जो ग्रुप है, इजाज़त दी गई कि आप चाहिए आप ये चंद अल्फाज बोलिए। ये पुलिस का काम है, किसने किया, कैसे किया, हमने कोई एज सच ऐसा माइंड नहीं बनाया है कि जो हम देखें कि भाई ऐसा हुआ है, इसने किया है, ये पुलिस का काम है। हम 42 लोग मिले हैं, उस 42 लोग में मेरा सिर्फ एक वोट है। ये 42 लोग मेरे साथ नहीं है सारे, ये वही डार साहब को उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप ये वोट प्रपोज कीजिए। मुझे कल आदेश दिया गया कि आप इतना प्रेस के सामने बोलिए, स्टेबिलिटी के लिए ही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 42 लोग में एक अच्छा कोऑपरेशन है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है और शहर भी सुधरेगा और SMC भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा।